Ți-am vinut o țeală brașcaro, tu fio tan matcaro, sub așa mami papa chede, abasca Henry. E dojo vi chede, me carujo mancia, har vat sab chede muze, abasca Henry. Carro, o carro, e man carro, o carro. Suba chama mi papa chiede a Pasqua o Henry. आखिर वो पड़ोस वाली का बेटा हर क्रिकेट मैच में हैट्रिक कैसे लगा लेता है? आप हैट्रिक की बात कर रही हैं? वो जब बैट हाथ में उठाता है तो गेंद किसी के हाथ में आने नहीं देता। सच में? अरे हाँ, फिर तो वो सातवें आसमान में होंगी। हाँ, वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश है। वो कह रही थी पीटर भी बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, वो भी साल में एक बार हैट्रिक तो लगा ही लेता है। पड़ोस वाली के लड़के ने फिर से हैट्रिक लगा ली, अगले मैच तक वो टीम का कैप्टन बन जाएगा। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे भी नहीं पता, मेरा मतलब मुझे ये पता था कि वो हैट्रिक लगा लेता है पर सेंचुरी भी मारता है, ये आज पहली बार पता चला। कोई बात नहीं, अपना पीटर भी एक दिन सेंचुरी मारेगा। ओह हेलो मार्टिन, अंदर आ जाओ। मैंने चाय बनाने की रेसिपी इसमें लिख दी है। मार्टिन तुम सुन रहे हो? ठीक है, इसमें तुम्हारे लिए सब कुछ लिखा हुआ है। एक काम करो, गैस पर आलू उबालने के लिए रख दो। मैं अपने बाल ठीक करके और हाथ मुंह धोकर बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं जाकर एक झपकी मार लेता हूँ। मुझे मजाक पसंद नहीं। ठीक है, सॉरी। अगर तुम्हें मदद करनी है तो मेरे फोन को चार्ज पर लगा दो प्लीज। ठीक है देवी जी। अच्छा तो तुम यहाँ हो हेनरी, मार्टिन आ गया है, हम थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। आप आज कहाँ जा रहे हैं? आज पेरेंट्स मीटिंग है, शायद तुम भूल गए हो। ओह हाँ, मैं भूल गया था। स्कूल से शिकायत होने के पहले कुछ बताना चाहोगे हेनरी? नहीं, कुछ नहीं बताना। ठीक है, वैसे मैंने मार्टिन को बता दिया है कि तुम्हारे लिए चाय कैसे बनानी है, तुम पी लेना, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं आज रात बाहर खाने के बारे में सोच रहा था। नहीं, वैसे मुझे पता है आप ना कहोगे, लेकिन बाहर का खाना मजेदार होगा। मैंने मना किया ना हेनरी। लेकिन हमारे बिना बाहर खाकर आपको क्या मिल जाएगा? एन ओ मतलब नो होता है हेनरी, मैं नो कह रही हूँ ना। नहीं, घर वापस चले, बच्चों को कहेंगे हम मिल है। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है तो फिर मिस लवली से मिलकर वापस घर चलते हैं। चलो मिलकर आ ही जाते हैं। गुड इवनिंग हेनरी के मम्मी पापा। गुड इवनिंग एल के पापा। हेलो दोस्तों। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों जैसे होते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही? नहीं, ये कोई नहीं कह सकता कि हम हेनरी जैसे हैं। ओ, वो लोग आ गए। वो लोग आ गए मिस ऑटपॉट। अच्छा, थैंक यू सिडमत, मेरे पीटीए ने मतलब पेरेंट ट्रैकर अलार्म ने मुझे बता दिया था। वेरी गुड मिस ऑटपॉट, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? उन लोगों पर ध्यान रखना और देखना कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है मिस ऑटपॉट, हाजिर हूँ आपकी सेवा में। अटेंशन। एक काम करते हैं, यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं। शायद हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। अंदर कोई नहीं है। शायद हमें इसी रास्ते से वापस चले जाना चाहिए। विक्रम और बेताल की तरह। अच्छा मजाक था। यहाँ कोई भी नहीं है, केवल एक गुस्सैल गोल्डफिश दिखाई दे रही है। ओह, हमें देर हो जाएगी और हमें पहले से ही देर हो चुकी है। सब ठीक है, जाते वक्त भी ये गमला यही था। सच में, क्योंकि पाँच मिनट पहले हम यहीं से गुजरे थे। हमें सच में किसी को पूछ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछने के लिए कौन है?
हो सकता है वहाँ अंदर कोई हो। कोई है? दरवाजा लॉक हो गया। पता नहीं तुम मुझे इस जगह लेकर ही क्यों आए। तुम मेरे पीछे क्यों आई? अगर तुम बाहर होती तो मैं कम से कम बाहर तो निकल पाता। पर मैं आ गई ना, अब कोई रास्ता ढूंढो। यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा। हेलो मार्टिन, मैंने कहा हेलो मार्टिन। चाय का टाइम हो गया है। अच्छी बात है कि पीटर खाना बना लेता है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। पता नहीं काम के वक्त ये नेटवर्क क्यों नहीं मिलता। फोन तो चालू करो। क्या बेकार फोन है, ये चालू क्यों नहीं था। यहाँ से तो नहीं निकल सकते, शायद ये दरवाजा हो। अच्छा तो फोन ऐसे चालू होता है। मुझे लाइट का स्विच कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक स्विच है। थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम चाय बनाने में मेरी मदद नहीं करोगे? मेरा मतलब है मैं चाय बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी तुमने। अभी तो चाय मुझे ही बनानी पड़ेगी। यस। मुझे अकेली सब करना पड़ेगा। यस। तुम मुझे मना इसलिए कर रहे हो कि तुम ये घटिया सा काम कर रहे हो, है ना? Yes. ये काम चाय बनाने में मेरी मदद करने से ज्यादा जरूरी है। Yes. ठीक है, तो फिर मुझे जाकर अपनी चाय तैयार कर लेनी चाहिए। Yes. और मुझे लग रहा है कि तुम तो चाय पीना ही नहीं चाहते हो, है ना कीड़े? Yes. मेरा मतलब है नहीं, और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। चलो ठीक है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे अकेली ही चाय बनाने जाना होगा। हेनरी, तुम चुपचाप जाके चाय नहीं बना सकते? ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। शायद आज मुझे चाय नहीं मिलेगी। काश हमें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ सामने के रास्ते से बगैर मेकअप के नहीं जाना चाहती। इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? बढ़िया, हम यहाँ से चलते हैं। मैं अपने फोन का टॉर्च यूज कर लेती हूँ। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ओह, मैंने तुम्हें फोन चार्ज करने को कहा था ना। दरवाजे के पास जरूर कोई स्विच होगा। आओ, ध्यान से चलो। मुझे स्विच मिल गया। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? सच में आज के बेबी सीटर भी ना चाय तो पगली रेबेका भी बना देती थी। एक बात बता दूं, उसके हैलोवीन हॉटपॉट में पता नहीं क्या होता था। पहले आलू छिलना, फिर आलू पकाना, फिर आलू मैश करना। अब गाजर छिलना, गाजर पकाना, फिर गाजर को मैश करना। पीटर को मैश आलू गाजर पसंद है। अब ये तो नहीं होने वाला है। फली को छिलना, फली को पकाना, फली को मैश मत करना। पीटर को मैश हुई फली नहीं पसंद। अगर मुझे मैश हुई फली पसंद है तो क्या? ऐसा नहीं होगा। चिकन को साफ करना, चिकन को पकाना और चिकन को मैश करना। इस तरह तो मैं पूरी रात कुक करता रहूंगा। पता नहीं मॉम कैसे कर लेती है। आलू नहीं है, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। वैसे भी कोई देखने वाला नहीं है। देखो मिस ऑटबॉट का ऑफिस है ये। हम पहले यहाँ आ चुके हैं। चलो देखते हैं, शायद यहाँ कोई मिल जाए जो मदद कर सके। आराम से टिडल्स, आराम से। जैसे बच्चे वैसे पेरेंट्स, है ना टिडल्स? और हमें लगता है कि पेरेंट्स समझदार है। हेलो, कोई है यहाँ? खुशी हुई कि आपने हमें ढूंढ निकाला मिस्टर सॉन्गिंगटन। हम पूरी तरह से भटक गए थे। हाँ, यहाँ केवल हम और वो शैतान गोल्डफिश रह गए। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरी प्यारी सोनपरी है। ओह,
मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था, माफ कीजिए। खुशबू तो अच्छी आ रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने टेबल भी लगा दिया। मार्टिन, सच में मार्टिन भी ना? इसमें पूरी गलती इनके मोबाइल फोन की है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है हेनरी। प्लीज हेनरी, क्या मैं और थोड़ा खा सकता हूँ? क्या आपकी ट्रिप अच्छी थी? ओह।